आईआईटी मद्रास के बच्चों की एक टीम ने हाइपरलूप प्रोटोटाइप बना दिया है। भाई साहब क्या होता है ये हाइपरलूप? देखो अभी चार मोड़े ट्रेवल करने के, रोड से, ट्रेन से, शिप से, एरोप्लेन से, और एरोप्लेन सबसे फास्टेस्ट है, बट ये हाइपरलूप इससे भी फास्टेस्ट है। अब कुछ लोग पक्का कमेंट में कहेंगे कि प्लेन इतना महंगा होता है, ये तो और भी महंगा होगा। गजब बात बताऊं, सस्ता होगा ये। और इसके सस्ता होने के पीछे एक साइंस है। देखो अभी जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनमें दो ही प्रॉब्लम है, एक है फ्रिक्शन, जैसे सड़क पे टायर घिसता है उसे फ्रिक्शन बोलते हैं, और दूसरा है एयर का ड्रैग, जिसकी वजह से ज्यादा फ्यूल खर्च होता है, स्पीड नहीं बढ़ा सकते, इंजन चलता है उसमें भी फ्रिक्शन पड़ता है, और भी बहुत सारे खर्चे। पर ये हाइपरलूप इन सब खर्चों को खत्म करेगा। ये वैक्यूम में चलेगा, मतलब इसमें हवा नहीं होगी, थोड़ी सी होगी 10%। और सेकंड, ये मैग्नेट्स पर लेविटेट करेगा, मतलब जो चुंबक होती है वो कब चिपकती है? जब एक मैग्नेट का नॉर्थ और दूसरे का साउथ आमने सामने हो, और अगर नॉर्थ नॉर्थ को पास लाओगे तो मैग्नेट दूर चली जाएगी। पूरे लूप को नॉर्थ से और कैप्सूल की बॉडी को भी नॉर्थ से बनाया जाएगा। इससे कैप्सूल लेविटेट करेगा, मतलब हवा में रहेगा, और इसकी स्पीड होगी 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब दिल्ली से जयपुर 15 मिनट में और बेंगलोर से चेन्नई 20 मिनट में। और आईआईटी के इन बच्चों ने पूरे यूरोप का मोस्ट स्केलेबल पॉड डिजाइन का अवार्ड जीता।